तो भाई पूरा भैया खा के हुए खत्म। ये इसका मुंह फैलाया है अभी तक। आज मैं दिखा तो हूँ यार, यहाँ पे जो है जो होटलों में मच्छी मिलती है तली हुई, जो सऊदी लोग खाते हैं यहाँ पे, तो कौन सी मच्छी है, किस तरह से होता है, ठीक है, उसे तो जो मताम इधर बोलते हैं, जो होटल जो होता है वो सऊदी का होटल नहीं होता, वो इंडियन का होटल होता है, जैसे केरला वाले हैं वो केरला वाले मच्छी काम ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, तो आज दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से जो है इधर मिलता है फ्राई करके, यानी तेल में तल के पूरी मच्छी देते हैं, किस तरह से देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके साथ में क्या क्या देते हैं खाने के लिए। ज़बरदस्त है यार, एक नंबर का। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जाके बताना कि ये कौन सी मच्छी है। ठीक है गाइस, बने रहे मेरे चैनल पे, दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। ओके, फिर मिलता हूँ। तो हाँ गाइस, देख सकते हैं आप, ये है मच्छी। जी हाँ, ये मच्छी है और ये है पापड़। यहाँ पे मच्छी जो है इसी तरह मिलता है होटलों में, सऊदी लोग इसी तरह मच्छी जो है खाते हैं, पूरी मच्छी है ये मच्छी, इसको बोलते हैं। देखो कौन सी मच्छी है, पता नहीं कौन सी समुद्री मच्छी है, यहाँ पे ये ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको जो है यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं। इसमें सब कुछ ओके है, मसाला वसाला जो कुछ लगा है पूरा कंप्लीट लगा है इसमें, बस क्या करना है खाना है। ये साथ में थोड़ा सामान दिया गया है, चटनी है जिसको बोलते हैं, चटनी के साथ में इसको खाते हैं। खाने की कुछ बात ही और है यार, मैं दिखाता हूँ इसका, देखो दांत इसका, देखो भाई साहब, ये पूरी मच्छी है, इसको अंदर से देखो साफ कर दिया गया, ऐसी बात नहीं है, साफ करके इसको तेल में तलते हैं पूरा अच्छी तरह से, धुलाई करते हैं तेल में, सफाई होती है, सफाई बहुत करते हैं इसका, जितना है केरला वाले हैं सब। जी हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ मच्छी होती है, जिसको पता है कि इस मच्छी का नाम क्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ में देखो ये है नींबू, ये है नींबू, इसको नींबू, ये देखो नींबुआ के साथ में यार मच्छी खाओ, नींबुआ खाओ और फिर साथ में जो है चटनी, चटनी तो गाइस ये है चटनी, मालूम है ये चटनी है, और ये जो है वो लहसुन है, लहसुन और क्या मालूम क्या इसमें मिलाया गया है, ये तो खट्टापन इसमें है और ये लहसुन ये तीखापन इसमें है, और ये तो आप जान ही रहे हैं क्या है, ये पापड़ इसको बोलते हैं। बहुत मज़ा आता है यार, अभी इसके साथ में और क्या है दिखाता हूँ मैं। जी हाँ, जी हाँ दिखाता हूँ मैं, बने रहे चैनल पे, दिखाता हूँ मैं इसके साथ में क्या है। चटनी किधर गया यार, हाँ इधर है, इसके साथ में ये है सत्ता, चटनी जिसको बोलते हैं समझ लो, और इसके साथ में है ये चावल, पहले चावल रख दो। जी हाँ, ये चावल है और ये है सत्ता, एक पेपर ले लूँ यार बिछाने के लिए, क्योंकि पेपर बिछाना चाहिए, नहीं तो खाना गिरेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सत्ता तो फ्रिज में रखा था, लेकिन ये सब तो बाहर रखवाना पड़ा, इसलिए कि अगर फ्रिज में रख दूँगा ना तो ठंडा हो जाएगा यार, मज़ा नहीं आया खाने में। तो ये सब रहा, ये चावल, चावल ओ ये चावल है मोटा मोटा, भाई रे आप देख सकते हैं अजीब सा दिख रहा है यार ये तो, खैर कोई बात नहीं खाना है। ये मच्छी ये देख रहे हो, ये मच्छी है, ये मच्छी का नाम क्या है इसमें तो लिखा नहीं है, खाली किलो दिया है, ठीक है, यही मच्छी है इसका, जो मच्छी मैं आपको बता रहा हूँ यही मच्छी है, पूछ इतनी बड़ी है, आप देख सकते हैं पूछ इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे इस तरह जो है मच्छी जो है, जब भाई खाने का मूड होता है तो मच्छी इस तरह से आ जाती है। ओके गाइस, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में करके बताएं कि इस मच्छी का नाम क्या है यार, हमको खुद को नहीं पता है, ठीक है।
तो भाई पूरा भैया खा के हो गया खत्म। ये इसका मुंह फैलाया है अभी तक ऐसे भाई बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बल्ले बल्ले पेट।